जय जगन्नाथ। आज के इस शुभ अवसर पे जिस दिन राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से राज्य की औद्योगिक राजधानी कहने से भूल नहीं होगी, क्योंकि 50 दशक में आजादी के उपरांत जिस जिला के बारे में, जिस शहर के बारे में देश भर के लोग सुनते आए हैं, ऐसे राउरकेला के लिए भारत सरकार की ओर से पूरे देश की आम नागरिक आरसीएस स्कीम में आज विमान सेवा शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के यशस्वी विमान सिविल एविएशन विभाग तथा स्टील मिनिस्ट्री के आदरणीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, राज्य मंत्री आदरणीय वीके सिंह जी, राज्य के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री अशोक पंडा जी, आदरणीय कुकुमी साहू जी, जोधपुर से जुड़े हुए कार्यक्रम में हम सभी के नेता, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, लोकसभा के सांसद सुंदरगढ़ के श्री जुएल ओरान जी, भुवनेश्वर के लोकप्रिय सांसद श्रीमती अपराजिता षडंग जी, मेरा पूरा विश्वास है राउरकेला में बहन कुसुम टेटे, भवानी शंकर भोई विधायक दोनों, शायद शारदा नायक जी और तराई भाई भी वहां होना ही चाहिए, वो लोग भी होंगे। आज मेरे को जितना जानकारी है ज्योतिरादित्य जी, एक विधायक मित्र हमारे जिले के शंकर उराम पहला यात्री बन के आज भुवनेश्वर से वहां जा रहे हैं। उस जिले के वरिष्ठ विधायक सिविल एविएशन विभाग के आदरणीय सचिव राजीव बंसल जी, आईलैंड शहर के सीईओ आदरणीय विनीत सूद जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभवगण, दिल्ली, जोधपुर, भुवनेश्वर, राउरकेला तथा आज कुछ समय के बाद इस कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नवीन पटनायक जी भी जुड़ेंगे। मैं आज इस शुभ अवसर पे महाप्रभु जगन्नाथ जी की सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने जो कहा था, जो वचन दिया था पूर्वोदय के लिए, उड़ीसा के विकास के लिए, उस बात में और एक कदम उन्होंने आज आगे बढ़ा, और उसके लिए विशेष करके मैं मेरे मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की व्यक्तिगत रूप में आभारी हूँ। उन्होंने दोनों विभागों को समन्वय करके स्टील और सिविल एविएशन दोनों को जोड़ के, मैं जानता हूं आलायंस शेयर को उन्होंने समझा के, वो आने के बाद हम समझा नहीं पाते थे कमर्शियल ये वायबल ग्रुप होगा, उड़ान स्कीम में ये चल पड़ेगा, लेकिन उन्होंने उसको अपने प्रशासनिक दूरदृष्टिता को दिखाया। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ, वीके सिंह जी को भी आभार प्रकट करता हूँ इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए।